एलन नहीं, अच्छा एलन पंगा लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो आ गया जाएगा 1/3x एलन ई पावर 11x - 7x, ठीक है ना। अब अगर इसको देखोगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ये, एलन भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मूला है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का बन रहा है एन हॉस्पिटल का क्या रहे हैं, 1/(e^11x - 7x) इनटू इसका e^11x - 7 डिवाइड बाय 3 एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। और फिर e^11x कॉमन ले लो यहाँ से भी यहाँ से e^11x, यहाँ पे क्या बचेगा 11 - 7/(e^11x) डिवाइड बाय 3 e^11x, यहाँ पे 1 - 7x डिवाइड बाय e^11x, ये भी जीरो हो चला जाएगा, ये भी जीरो हो चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया 11/3। 11/3 क्या है, एलन बाय वाला वाला e^11। दूसरा वाला बताओ, फिर उसका 1 है क्या दूसरे वाले का? हाँ 1 है। एलएन बार इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 5/2 कोस एक्स एलएन एक्स, सॉरी एलएन कोस एक्स, ठीक है। 5/2 रखोगे तो ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को, ये वाला भी चाहिए तो जीरो को क्लोज करेगा, तो इसको 1/2 लिमिट एक्स क्लोज टू 5/2 एल एन कोस एक्स डिवाइड बाय सेक एक्स, ठीक है। अब अगेन इनफिनिट में इनफिनिट का फॉर्मूला है, एल ओ सी का 1/cos इनटू माइनस साइन कोस एक्स का
हो गया हाँ सर चेन्नई स्टोर क्या बोलता है इससे अगर एक फंक्शन वो दो फंक्शन के बीच में बस है ये जीओ फेक्स है ये एचओ फेक्स है ये एफओ फेक्स है तो अगर एफओ फेक्स में आप दो फंक्शन के बीच में बसा हुआ है तो इसके ए मिड के दो फंक्शन के बीच में बसे हुए है और अगर इसकी लिमिट एल आ रही है इसकी लिमिट एल आ रही है तो लिमिट ए से पहुंचे तो ए एफ एक्स की एल आ रही है ठीक है ना एल को एक फाइनल नंबर है हो गया क्या सर एक मिनट हाँ सर जैसे एग्जांपल लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी बॉक्स एक्स बॉक्स टू एक्स बॉक्स एन एक्स डिवाइड बाय एन स्क्वायर किसे सोचोगे इसको बॉक्स एक्स किसके और किसके बीच में लाई करता है एन से एन प्लस वन एक्स माइनस वन से एक्स के बीच में ठीक है ना एक्स दो का x माइनस वन से x के बीच में आएगा जैसे टू एक्स भी मेरा टू एक्स माइनस वन से टू एक्स के बीच में आएगा और एन एक्स भी मेरा एन एक्स माइनस वन से एन एक्स के बीच में आएगा सॉरी यहाँ पर डब्बा आएगा यहाँ पर डब्बा सर को एड कर दिया तो बॉक्स एक्स
box 2x, box 10x. इधर x, 2x, x और माइनस n. और यहाँ पे x, 2x, x. जैसे x कॉमन लोगे, n, n प्लस 1 बाई 2 इक्वल माइनस n. और लिमिट करेंगे लिमिट n अप्रोचिंग इनफिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग इनफिनिटी, बॉक्स n, बॉक्स n x. चाहिए इसको अगर डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो. लिमिट n अप्रोचिंग इनफिनिटी x n x प्लस वन बाय इधर वाली लिमिट क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड वाली. n पर कॉमन ले लो, यहां पे हो जाएगा x 1 plus 1 by n divided by 2 minus 1 by n divided by n square bar n square. ये वाला सेकंड सर. अब इनफाइनाइट कर दोगे तो ये 0 x by 2 एक 0. और यहाँ पे भी एक कनेक्ट करोगे एक्स बाई टू. अगर इन दोनों की लिमिट सेम आ रही है, इसके भी सेम लिमिट सेम होगी. अच्छा एक्स को टाइम नंबर भी तो इसके भी लिमिट क्या होगी सेम होगी एक्स बाई टू. दूसरा क्या तरीका है इसको सबको लिख दो x माइनस फ्रैक्शन x ये हो जाएगा x 2x x माइनस फ्रैक्शनल x फ्रैक्शनल 2x फ्रैक्शनल x डिवाइड बाय n स्क्वायर n अप्रोचिंग टू इनफिनिटी. ये बन जाएगा n n प्लस 1 by 2 minus fractional x fractional 2x fractional x divided by n square limit n. ध्यान देने योग्य बात ये कि जो फ्रैक्शनल वाले पार्ट हैं वो कितने टर्म्स लिखे हुए हैं. बोलो भाई वो टर्म्स कितने लिखे हैं. एन टर्म्स लिखे हुए और फ्रैक्शनल एक्स ज्यादा से ज्यादा वन हो सकता है. अगर सब मतलब वन तो हो ही नहीं सकता वैसे भी, लेकिन वन को भी अप्रोच कर रहा है तो वो पूरा ज्यादा से ज्यादा किसको अप्रोच करेगा. एन को एन को अप्रोच करेगा. जैसे ही सेपरेट करोगे तो उधर राइट साइड वाला जीरो सर. वो पूरा वाला सारे टर्म्स वो एन को वन को अप्रोच क्यों करेंगे. मतलब करेंगे नहीं, अपन ने देखा एक पॉसिबिलिटी. अच्छा ज्यादा ज्यादा तो वन ही हो सकता ना फ्रैक्शनल एक्स. हाँ लेकिन हम लोग वो कैसे बोल रहे हैं कि वो वन हो, मतलब हो सकता है लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे बोल रहे हैं. नहीं वो बोल नहीं रहे हैं, वो ऐसे सोचा है कि वो अगर सबको सभी वन को भी अप्रोच कर जाए तो भी वो ज्यादा ज्यादा एन आ सकता मैक्सिमम. उस केस में भी ये जीरो, बाकी तो उससे छोटा ही होगा ना एन से. तो एन बाय अगर एन से कोई छोटा नंबर हुआ उसमें एन स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा. ठीक है बस इसीलिए जीरो बनाया. ऑब्जर्वेशन ये बोलती है कि जब भी ऐसे बॉक्स वाले आ जाए और इनफाइनाइट लिमिट हो तो बॉक्स को हटा दोगे तो भी आंसर सेम ही आता है.
सर ये सैंडविच थ्योरम में अगर कोई जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं वहां पे मतलब डिसकंटिन्यूटी रही तो भी ये एप्लीकेबल है ना? क्या बोल रहे हो? मतलब अगर जिस पॉइंट पे हम लोग ये चेक करें मतलब दो फंक्शंस के बीच में एक फंक्शन है जिस पॉइंट पे हम लोग तीनों फंक्शंस का लिमिट निकाल रहे हैं उसमें से कोई भी एक फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तभी भी ये एप्लीकेबल है ना? हाँ ऐसा कोई दिक्कत हो गया बताओ भाई तो जीरो है जीरो कैसे सोचा सर? एक साइड पे एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन ले लिया क्योंकि वो सबसे पहला टर्म है तो सबसे बड़ा है और उसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया। दूसरे साइड पे सबसे छोटा टर्म एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन ठीक है। अब सैंडविच कैसे बनाए?
जैसे आप सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे तो ये एन स्क्वायर प्लस एन से तो बड़ा ही होगा, लेकिन एन स्क्वायर प्लस एन से छोटा होगा या बराबर होगा वो कुछ नहीं। ऐसे ही बनाया ना? हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही हर काम इन दोनों के बीच में जाएंगे। n² + n² + 1 n² + 1 n² + 2 n² + n अब अगर इंफिनिट पे लिमिट चेक करोगे तो ये भी जीरो को क्रॉस करेगा, ये भी जीरो को क्रॉस करेगा। अगर ये दोनों सेम नंबर को क्रॉस करे तो मैं बोलूंगा कि ये भी जीरो को क्रॉस करेगा। सर इसी में हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब वन फाइनाइट है और नीचे इनफिनिटी बन रहा है, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते? नहीं नहीं ऐसे कभी कभी आंसर अलग आ जाता, क्यों? क्योंकि ये सब जीरो को अप्रोच तो कर रहे हैं लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट होके कुछ एक बड़ा अमाउंट दे सकते हैं ना, मतलब सब जीरो को तो अप्रोच करेंगे, जैसे ये जीरो को अप्रोच करेगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन ये जीरो भी तो इनफिनिट जीरो है, हाँ कि ना? अच्छा हाँ समझ गया, सब मिला के कुछ, हाँ सब मिला के कुछ ना कुछ दे सकते हैं अपने को। ओके ओके ठीक है, जैसे करते हैं अभी एक सर। ये वाला वैसे बनाना इसको शायद मेरे हिसाब से जैसे बनाया था आगे और पीछे वाला फंक्शन लेके वैसे बन जाएगा। सर इसका भी जीरो है? नहीं इसका आंसर जीरो नहीं, इसका थर्ड वाले का बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ थर्ड वाले का तो जीरो। कैसे सोचा? साइन एक्स वन टू वन वन से माइनस वन इन टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स फिर डिवाइड बाय वन प्लस सर इसका फोर्थ वाले का आंसर वन होगा ना? क्या फोर्थ वाले का आंसर वन होगा ना? फिर फोर्थ वाले का टू दे रखा है इसमें तो यार।
इसलिए तुम्हारा शायद वन आ रहा होगा। ठीक है, कैंसिल मत करो उसको। उसको इंफिनिटी पे चेक करोगे टू को अप्रोच करेगा, ये भी इंफिनिटी पे टू को अप्रोच करेगा, इसको भी इंफिनिटी पे टू को अप्रोच करेगा। अच्छा ये कैसे देखो एन स्क्वायर इससे बड़ा हो गया क्योंकि ये ज्यादा डिमांड कर रहा है ना, ये डिविजन है और एन स्क्वायर प्लस टू है तो ये मान को ज्यादा डिमांड करेगा तो ये वाला जो काम होगा इससे तो बड़ा ही होगा। अरे वन बाई टू और वन बाई थ्री, थ्री ज्यादा डिवाइड करेगा तो वन बाई थ्री छोटा होगा ऐसे लिखा है, और फिर इससे छोटा होगा या बड़ा होगा अभी बराबर वाला केस है। इस वाला केस है देखो एन स्क्वायर प्लस टू है ये ज्यादा डिवाइड कर रहा है टू एन से डिवाइड कर रहा है, ये छोटा होगा इससे और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये वाला इससे भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये एन स्क्वायर प्लस वन डिवाइड से कर रहा है और ये एन स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है। सर इसको इंटीग्रेशन से नहीं सोच सकते क्या? इंटीग्रेशन से लिमिट एज ए सम हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी यहाँ पे अगर आर स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा, अभी नहीं होगा। सर पर क्यों हमारे पास अगर आर बाय एन स्क्वायर भी है हम आर बाय एन को एक्स मानेंगे और नीचे एन कांस्टेंट रहेगा, एन कैसे एन ही तो इनफिनिटी को टेंड कर रहा है यहाँ पर तुमने एन को हाँ बाहर ले वन प्लस आर बाय एन इनटू वन अपॉन फिर एक एन का क्या करो हाँ हाँ सही सही वो उस टाइम वाले अपन वहां पे करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है अभी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, हो गया भाई सर वो नीचे मतलब वो उसका जो लिमिट निकालेंगे ना एन अप्रोचिंग टू इनफिनिटी तो नीचे से तो मॉड एन आएगा ना तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे वो मतलब इनफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव है इनफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फिर मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव इनफिनिटी को अप्रोच करता तो तुम माइनस लिखते था, अभी तो इनफिनिटी को अप्रोच कर। हाँ ठीक है लिखो ये अच्छी लिमिट है और अभी तक कोई
इस सवाल के लिए पूछा है। तो स्क्रीन थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अरे हो जाएगा वो, अब दिख रहा है। नहीं बना फोकस, बिल्ट इन बी यू आई एल टी आई एन। हाँ सर अभी दिख रहे। ठीक है, क्या होता बिल्ट इन लिमिट पे? वो समझो एक फंक्शन मतलब लिमिट के अंदर दो या दो से दो वेरिएबल हो, दो से ज्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है ना, जैसे एन भी हो एक्स भी हो या टी भी हो एक्स भी हो, इस टाइप की लिमिट को बोलोगे बिल्ट इन लिमिट। ठीक है, जब अपने को दूसरे वाले फंक्शन पे भी केस बनाना पड़ेगा वो क्या होगा दूसरे वाले वेरिएबल पे, तो एग्जांपल देखते हैं इसमें को। Define f of x if f of x is equal to limit t approaching to 0 2x by 5 whole inverse x by t square. ठीक है ना, ये तो आसानी है। देखो कैसे सोचोगे इसमें, t जीरो को अप्रोच कर रहा है तो यहां पे क्या बनेगा, t अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो कोट के अंदर इंफिनिटी को टेंड करेगा। हाँ इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा अगर x पॉजिटिव हुआ तो, ये तो बोलोगे। हाँ तो केस बनेगा x पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या कोट इनवर्स पॉजिटिव इन्फिनिटी पाई बाई टू होगा? हाँ बोलना है। हाँ सर, तो उसको लिख दो 2x by 5 into pi by 2. अगर x 0 हुआ, exactly 0, exactly 0 हुआ, यहाँ पे 0, और 0 का होगा cot, pi by 2 पे? हाँ सर, sorry. सर, cot इनवर्स 0, 0 to pi decreasing होता है ना? ये यहाँ पे गलत है, अगर positive infinity हुआ, तो pi होगा. ठीक है ना, और अगर जीरो हुआ तो पाई। सर कॉट इनवर्स माइनस इनफिनिटी पे पाई जाता है। अच्छा अच्छा तो अभी पॉजिटिव इनफिनिटी पे कहाँ जाएगा? जीरो जीरो जी जीरो, और अगर जीरो हुआ एक्जेक्टली तो कॉट इनवर्स जीरो पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, और अगर x नेगेटिव हुआ तो माइनस पाई, सॉरी मतलब पाई पाई। ठीक है, तो देखो x अगर पॉजिटिव हुआ ये तो जीरो बन गया, अगर x जीरो हुआ तो x बन गया, और अगर x नेगेटिव हुआ तो ये 2x बन गया। फिर तुम्हारे इसमें शीट में पूछा हुआ इसका ग्राफ बनाने का भी, ग्राफ कैसे बनता है?
एक्स लेस देन जीरो के लिए टू एक्स मतलब वो एक से पास के बजाय जीरो में जीरो ही रहेगा और जीरो में आगे जीरो समझ लेना अभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा है एडवांस में नहीं भी आया तो बता दो एक बार क्योंकि ये पूछने के बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं मेरे को हो गया सर एक मिनट हाँ सर हाँ बोलो हाँ सर हो गया हो गया f of x limit x approaching to infinity n approaching to infinity x power n pi by 3 power n x power n minus 1 pi by 3 power n minus 1 n is n even here n is n Then, which of following are incorrect? A. A. Pi by 3 to infinity. Pi by 3 to B. F is equal to f of minus x as infinite solution. F is equal to mod x as infinite solution. D. F x is 1, 1. करो देखे ट्राई सर वो पहले दूसरे ब्रैकेट में पाई है ना दो ऊपर भी नीचे भी हाँ पाई बाई थ्री पावर एन नीचे पाई बाई थ्री पावर एन माइनस वन
बताओ सर एबीसी क्या एबीसी ए मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो डी हाँ डी ठीक है कैसे सोचा सर वही केसेस बनाया ग्रेटर देन वन लेस देन माइनस वन ग्रेटर देन वन वन पे तो गलत हो जाएगा तुम्हारा फाइव बाई थ्री पे बनाना पड़ेगा केसेस सर अगर वन से छोटा रेज टू इनफिनिटी होता है तो वो जीरो हो जाता है और वन से बड़ा होता है तो फाइनाइट आता है लेकिन उस बारे में क्या कमेंट करोगे जब नंबर वन से पाई बाई थ्री के बीच में होगा देखो इसमें रेशियो से देखना पड़ेगा तुमको कौन कब बड़ा इन्फिनिटी है ये डिसाइड करेगा पाई बाई थ्री लेट सपोज अगर x पाई बाई थ्री से बड़ा हुआ तो बड़ा इन्फिनिटी कौन होगा तो अगर पाई बाई थ्री से आगे के लिए बात कर रहा हूं तो बड़ा इन्फिनिटी कौन होगा न्यूमरेटर होगा ना क्योंकि सीधी बात है पाई बाई थ्री से बड़ा है तो वो बड़ा इन्फिनिटी होगा तो उसको कॉमन ले लो तो इसके क्या इस केस में मेरा आंसर एक्स आ जाएगा क्योंकि ये जीरो को अप्रोच करेगा ये भी जीरो को अप्रोच करेगा बोलो हाँ सर ठीक है एग्जैक्ट पाई बाई थ्री की बात कर लो अगर पाई बाई थ्री रखोगे तो ऊपर बनेगा टू पाई बाई थ्री पावर एन नीचे टू पाई बाई थ्री पावर एन माइनस वन टू टू कैंसल पाई बाई थ्री पावर एन डिवाइड बाई पाई बाई थ्री पावर एन माइनस वन पाई बाई थ्री बचेगा एक ही बात है क्योंकि पाई बाई थ्री पे वैसे पाई बाई थ्री आ रहा है अब अगर एक्स मेरा पाई बाई थ्री से छोटा हुआ ठीक है ना और एन क्या दिया हुआ है इवन इंटीजर ठीक है तो नेगेटिव में भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो अगर एक्स मेरा माइनस माइनस पाई बाई थ्री तो बताओ बड़ा इन्फिनिटी कौन होगा तो एक्स हो जाएगा फिर बड़ा देख लो आराम से तो पाई बाय थ्री वाला बड़ा इन्फिनिटी होगा ना पाई बाय थ्री रेस्ट पाई बाय थ्री वाला बड़ा इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी टेन करेगा हाँ पाई बाई थ्री वाला बड़ा इंफिनिटी होगा तो इस बार पाई बाई थ्री की पावर इसको पाई बाई थ्री पावर एन अंदर कौन बचेगा पाई एक्स बाई थ्री पावर एन प्लस वन नीचे पाई बाई थ्री पावर एन माइनस वन पाई एक्स बाई थ्री पावर एन माइनस वन प्लस वन क्या इस केस में आंसर मेरा जो भी आएगा क्या जाएगा पाई बाई थ्री आएगा पाई बाई थ्री तो थ्री एक्स बाई पाई बाई सही है ना देखते रहना
और अगर x मेरा चलो माइनस पाई बाई थ्री के लिए बात कर लो, एग्जैक्ट माइनस पाई बाई थ्री, तो एग्जैक्ट माइनस पाई बाई थ्री सर अब हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं ना कि इवन फंक्शन है क्या? अब हम डायरेक्ट नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा इवन फंक्शन कैसे दिख गया? हाँ माइनस पाई बाई थ्री पे शायद डिफाइन नहीं होगा। क्यों डिफाइन नहीं होगा? क्योंकि अगर n इवन इंटीजर है तो n माइनस वन ओड इंटीजर होगा, ठीक है? यहाँ से माइनस आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। माइनस पाई बाई थ्री तो डोमेन नहीं होगा, और अगर माइनस पाई बाई थ्री से छोटा रख रहा हूँ तो कौन बनेगा बड़ा इन्फाइनेट, कौन बनेगा छोटा इन्फाइनेट? एक्स वाला बड़ा बनेगा। एक्स वाला? अच्छा अभी यहाँ पे माइनस का चक्कर पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा अपने को। माइनस का चक्कर तो लग रहा है कि सर एम तो इवन है ना अपना, तो वो तो वैसे मतलब प्लस इन्फिनिटी जैसा हो जाएगा ना। हाँ ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नीचे भी एन माइनस वन, तो हाँ एन माइनस वन। अच्छा हाँ ठीक है, कोई चक्कर नहीं माइनस का। अगर तुमने लेट सपोज माइनस फाइव पाई रख दिया, एक एग्जांपल लिया मैंने माइनस फाइव पाई, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का चक्कर, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस आ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन बड़ा इन्फिनिटी होगा कौन? अगर तुमने माइनस फाइव पाई रखा तो बड़ा इन्फिनिटी होगा कौन? फाइव बाई थ्री वाला दिखता है या नहीं दिखता है? मैंने अभी x को माइनस फाइव पाई रखा है तो किसकी पावर बड़ी, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है? माइनस फाइव पाई तो रहेगा लेकिन सर वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा ना। तो एक अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक नंबर लेके देख लो, माइनस फाइव बाई थ्री से छोटा माइनस फाइव पाई ले लिया मैंने। अब बताओ यहाँ पे माइनस फाइव पाई लिखाओ या माइनस फाइव पाई लिखाओ, कौन सा बड़ा इन्फाइनाइट है? तो बोलो भाई अगर माइनस फाइव पाई लिख दिया यहाँ पे तो बड़ा कौन सा, ये वाला है ये वाला? पहला वाला ना, एन इवन है पहला वाला है। तो वहां से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हम क्या ना, डिनोमिनेटर में तो दूसरा वाला है ना। एक मिनट मुझे लगा डिनोमिनेटर का ही पूछ रहे हैं। इसका आंसर निकाल के बता दो, माइनस इनफाइनाइट एन अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट पे। क्या वहां नहीं निकाल पाओ एन अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट? इनफाइनाइट लिमिट पढ़ ली ना तुमने, माइनस वन, माइनस वन या माइनस फाइव पाई? हाँ माइनस फाइव पाई। देखो यहाँ पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फाइव पाई पावर एन, फाइव बाई थ्री पावर एन, यहाँ पे माइनस का फर्क पड़ेगा फाइव पाई पावर एन माइनस वन, फाइव बाई थ्री पावर एन माइनस वन। अब ऊपर से ये बड़ा इन्फिनिटी फाइव पाई पावर एन वन प्लस जीरो, और नीचे से फाइव पाई पावर एन माइनस वन को बनेगा, तो माइनस वन प्लस जीरो क्या माइनस फाइव पाई आया? हाँ ठीक है ना। अब सोचो अगर एक्स मेरा माइनस फाइव बाई थ्री से छोटा है तो ये वाला बड़ा इन्फिनिट होगा, इसको कॉमन लोगे एक्स की पावर है नीचे एक्स की पावर है माइनस वन, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा क्या माइनस एक्स आ जाएगा? हाँ
ये लिख लेना एग्जांपल साइड में, अगर तुमको नहीं भी आया तो ग्राफ बना लो इसका। ग्राफ बनाओगे तो क्या पाए माइनस पाए। अच्छा पाई बाई थ्री से बड़े के लिए y बराबर एक्स है, पाई बाई थ्री से छोटे के लिए y बराबर माइनस एक्स है, और दोनों के बीच में पाई बाई थ्री। तो देखो इन्वर्टिबल है, बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि रेंज और फोटोमेन बराबर है 1/3 पाई बाई थ्री से बड़े। ये सही है, मतलब ये भी सही है, क्यों? क्योंकि f of x बराबर f of minus x बराबर। अच्छा इवन फंक्शन है, ठीक है ना, इवन फंक्शन है, तो f of x बराबर f of minus x के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे होंगे हर पॉइंट के लिए बराबर, और f of x बराबर mod f of x बराबर। तो नीचे कुछ है f of x भी है, f of mod x भी है, तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या है, f of x is 1 1 के बाद ये भी लिखना है फोर ऑल x belongs to r, फोर ऑल x belongs to r, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि माइनस पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री के बीच में 1 1 नहीं है, मिनी 1 है, हर पॉइंट पे सेम वैल्यू ले रहा है। सर वो फर्स्ट वाला x कैसे आया वो बताइए ना। फर्स्ट वाला x कैसे आया? अगर x को मैं कोई भी एक बड़ा नंबर लेता हूँ पाई बाई थ्री से, 5π लेके देख लो, यहाँ पे 5π हो गए, यहाँ पे पाई बाई थ्री हो गए, दोनों में से कौन सा बड़ा इनफाइनाइट है? x^n वाला। x^n वाला, x^n को कॉमन ले ले, x^n को कॉमन ले ले, क्या ये जीरो बन जाएगा? पाई बाई थ्री डिवाइड बाई 5π, हाँ, उसको भी जीरो बना दिया, इसको भी जीरो बना दिया, 1 हो गया, x^n - 1 x। तो वो जीरो कैसे बन गया? एक मिनट, जीरो कैसे बन गया मतलब? छोटा इनफाइनाइट बटा बड़ा इनफाइनाइट, ऐसे सोच लो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ सर जीरो है, पर वहाँ ओपन आएगा ना माइनस पाई बाई थ्री पे आपको बोला था। हाँ माइनस पाई बाई थ्री पे ओपन आएगा, ठीक। सर एग्जैक्टली माइनस पाई बाई थ्री पे क्या हो रहा है सर? मतलब डिफाइन में डोमेन में नहीं। हाँ हो गया, ध्यान रखना ये लिमिट। एडवांस को बहुत ही पसंद है ऐसे दो दो वेरिएबल के साथ खेलना, ठीक है ना, उसमें लिमिट में अभी तक ऐसा कुछ पूछा नहीं है। हो गया भाई, एक सेकंड सर। एक ऐसा होमवर्क में लिख लो, लिमिट a इज अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट a इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी,
साइन पाई एक्स होल स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स पावर एन साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स पावर एन लिखे आप लिख लिया भाई? हाँ सर। हाँ सर लिखे हो गए। लिखो कंप्लीट। लिमिट को समझने के लिए वो एक ग्राफ बनाया था कौन सा ये किसका ग्राफ बना है सर? अब समझो कंटिन्यूटी क्या होगी। अगर मैं उस पॉइंट के वापस टू पे ले आऊं, ठीक है ना, अभी लिखना नहीं कुछ भी। अगर मैं उस पॉइंट को उठा के जो ये आइसोलेट हो गया इसको वापस से उठा के फोर पे ले आऊं, सॉरी टू पे नहीं फोर पे ले आऊं, क्या फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा? हाँ बोलो। या फिर ऐसे सोचना है कि अगर फंक्शन का ग्राफ बनाने पे मेरे को पेन ही उठाना पड़ रहा है, ठीक है ना, किसी फंक्शन का ग्राफ उठाने के लिए, सॉरी ग्राफ बनाने के लिए मेरे को पेन ही उठाना पड़ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो जिस दिन ये इसको मैं वापस से डिफाइन करके एटी का फोन लिख दूं, मेरे फोन वापस बोला बन जाएगा, ठीक है, बोला बन जाएगा, बोलना भी कंटिन्यूस हो गया इसके एन इक्वल टू टू। तो कंटिन्यूटी ने किससे मतलब रखा? उस पॉइंट की वैल्यू से। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या क्या चीज इम्पोर्टेंट है? अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो उस पॉइंट का अप्रोच वो तीनों बराबर होना चाहिए। तो लिखो इसमें पहले एक ग्राफ बना लो, फिर उसके बाद लिखना। बना लिया? हाँ सर। इसके नीचे वाई बना रहे को एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एंड एक्स इक्वल टू ए। ये है ये ए पे कब कंटिन्यूस हो जाएगा? जब एल एच एल, अभी एल एच एल किसको अप्रोच कर रहा है? एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब तुमको लिमिट की भाषा समझ में आनी चाहिए कि एल एच एल बोलते ही मतलब तुमको क्या देखना है, लेफ्ट साइड से देखना है। तो एल एच एल किसको अप्रोच कर रहा है? टू को, फोर को। बोलो। फोर को। आर एच एल किसको अप्रोच कर रहा है?
वो भी फोर को अप्रोच कर रहे फोर को, और फंक्शनल वैल्यू क्या है? टू पे वैल्यू फोर है, टू पे वैल्यू फोर है क्योंकि अभी मैंने वापस से रिडिफाइन कर दिया। रिडिफाइन क्यों करा? उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए। तो कंटिन्यूटी इसी बात से मतलब रखती है कि उस पॉइंट के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इर्द गिर्द मतलब नेबरहुड पे क्या हो रहा है और उस पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो y equal to f of x is said to be equal to a, lhn equal to rhn equal to f of a, अच्छा is equal to a f q, f q का मतलब क्या है? फाइनाइट लिख लिया हो? हाँ सर। ठीक है, तो जैसे अपन ने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के केसेस लिखे थे, क्या कंटिन्यूटी के डज नॉट एग्जिस्ट के केसेस बता सकते हो क्या क्या हो सकता है? LHL equal to RHL हो but equal to FA नहीं हो। ठीक है, और LHL और RHL तो equal ही ना हो, ये भी ठीक है, और वो infinity को approach कर जाए, undefined हो, यानी कि तो सारी include रहेंगे ना। ठीक है, और एक और बच रहा है, वो पॉइंट डोमेन में ही ना हो तो फिर हाँ डिफाइंड ही नहीं। ठीक है, बस अब इसको एक एक करके लिखना है ना। बढ़िया सवाल बनता है इस पे, मतलब इसको तुमने हल्के में लिया होगा। डिसकंटिन्यूटी ठीक है, डिसकंटिन्यूटी हो गई, लेकिन किस किस कैसे किस किस वजह से हो सकती है लिखो अभी पहले। चलो पहले बनते यहाँ पे एल एच एल और आर एच एल ही मतलब दोनों अलग अलग है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूस पॉइंट सकता है, इज कंटिन्यूस एंड इज इक्वल टू ए। दूसरा इसमें LHL और RHL तो इक्वल है लेकिन फंक्शनल वैल्यू कुछ और आ रही है, चाहो तो इसको भी ऐसे लिख दो, ये कुछ L1 वैल्यू आ रही है, ये कुछ L2 वैल्यू आ रही है, ये कुछ L1 आ रही है, ये कुछ L2 आ रही है। ये यहाँ पे LHL और RHL इक्वल है बट इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। यहाँ पे एलएचएल और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, एलएचएल और आरएचएल इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करके बट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए,
इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में फंक्शन ही गायब है उस पॉइंट पे, ठीक है। पर एक ओ पे नॉट डिफाइंड, एक ओ पे नॉट डिफाइंड, लिमिट एक्सिस्ट, लिमिट एक्सिस्ट करेंगे क्योंकि उसको फंक्शनल डेरिवेटिव को मानते हैं। Limit exists, but discontinuous at x equal to a. The fourth point. यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो भाई, फोटो देख के आना चाहिए तुमको बोलना। इनफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, हाँ तो ना ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना ही यह कंटिन्यूस होगा, लिख लो। बोलो, ये फोर्थ वाला जो है ऐसे पॉइंट्स को हम एसिम्प्टोट बोलते हैं। हाँ एसिम्प्टोट बोलते हैं। एसिम्प्टोट क्या होती है, जो कर्व को इनफिनिट पे टच करती है ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं ln x की बात करूं तो y एक्सिस जो है उसकी एसिम्प्टोट है, e की पावर x की बात करूं तो जो x एक्सिस है वो उसकी एसिम्प्टोट है। हो गया भैया, और कोई किसी के दिमाग में केस आ रहा हो जिससे कि ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए? सर जब नहीं ऑसिलेशन में तो खाली नहीं नहीं उसमें तो नहीं। बोलो बोलो सर, मैं वो ऑसिलेशन का सोच रहा था जब। अरे ऑसिलेशन तो हो ही नहीं सकता ना इसमें। अच्छा मतलब लिमिट ऑसिलेटरी हो जाए तो बोल रहे हो, और हाँ पर वो हाँ जैसे साइन ऑफ वन बाई एक्स अगर हम बोले एक्सटेंड टू इनफिनिटी तो, लेकिन वो कंटिन्यूअस ही होता है ना। साइन वन बाई एक्स एक्सटेंड टू इनफिनिटी पे हाँ इनफिनिटी पे तो जीरो हो जाएगा ना। नहीं मतलब साइन के अंदर का क्वांटिटी जब इनफिनिटी को टेक कर, तुम जीरो पे बोलना चाह रहे हो, जीरो उसकी डोमेन में नहीं होगा। हाँ जीरो उसकी डोमेन में नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी की बात भी मैं डोमेन में ही करता हूँ, ये भी अभी लिखेंगे पॉइंट। अच्छा लेकिन सर अगर साइन एक्स और एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी रहेगा तो क्या, साइन एक्स और एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी रहेगा तो हाँ। लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो डिसकंटिन्यूस ही होगा ऑब्वियस बात। अच्छा उसमें तो ऑसिलेट कर रहा है ना भाई। हो गया भाई। हाँ सर देखो सवाल इफ discontinuous and x is equal to 0 only and
नंबर ऑफ सच फंक्शंस. ये बता दो वरना मतलब ऐसे ही सोचना है तुमको क्या क्या केसेस हो सकते हैं. सर चार होंगे. हाँ नहीं चार नहीं छह बनेंगे. हाँ सर छह बनेंगे. बस देखो वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस वन एक्स ग्रेटर देन ठीक है ना. ये वाला देख लो एक्स स्क्वायर करोगे तो वन ही बनेगा हमेशा. फिर इसको इंटरचेंज कर दे वन एक्स ग्रेटर देन जीरो माइनस वन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो. सर जीरो पे तो डिसकंटिन्यूअस है ना तो. हाँ जीरो पे डिसकंटिन्यूअस बनाना है मेरे को. हाँ समझ गया. ठीक है ना. और क्या क्या हो सकता है. माइनस वन जब एक्स मेरा ग्रेटर इक्वल जीरो वन जब एक्स मेरा लेस देन इक्वल जीरो माइनस वन जब एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो और वन और दोनों में वन वन और माइनस वन है ना. दोनों जीरो पे माइनस वन के से दोनों मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्स लेस देन जीरो भी वन और एक्स इक्वल जीरो पे माइनस. और वो डिस्काउंट मतलब वो फिर कंटिन्यूअस ही वो x इक्वल जीरो पे माइनस वन है ना. अच्छा अच्छा और कौन से बनेंगे फिर तो और केस बनेंगे ना. नहीं दो ही बनेंगे ना. फिर जब ये x ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो में माइनस वन और x इक्वल जीरो पे वन और एक केस बनेगा ना जिसमें x ग्रेटर देन जीरो पे वन r में जीरो के लिए वन और x इक्वल टू जीरो के लिए माइनस वन और कौन सा नया बता रहे हो केस. और सर मतलब x greater than 0 पे 1 बनेगा और x less than 0 पे माइनस वन रहेगा. 0 है ही नहीं डोमेन में. 0 तो फिर वो ये लाइन क्या. अगर जीरो डोमेन में ही नहीं है इसका हाँ, मतलब तो फिर जीरो पे टू बनेगा. हाँ हाँ फिर जब नहीं बनेगा तो फिर एफ स्क्वायर जीरो वन कहाँ से लाओगे अगर जीरो डोमेन में ही नहीं है तो. हाँ सॉरी हो गया. हाँ सर. तुम्हारे यहाँ शाम को कुछ लगा हुआ है क्या. सर एडीएस सर हो सकता है क्लास में. अच्छा एडीएस सर से तो मैं बोलूंगा. और तो किसी का नहीं है ना. नहीं और किसी का. क्योंकि कल सुबह शायद मुश्किल होगा मेरे लिए ना इसलिए मैं सोच रहा था कि आज ही दे दे.
चलेगा सर, आप ईडीए सर से वो कर लीजिए कि कब कितने टाइम में बोल दूंगा। ठीक है, तो एक काम करना, लिमिट में कहाँ तक दिया था होमवर्क? अब लिमिट ऐसे सोचो, होमवर्क कुछ भी नहीं, लिमिट में जो भी बचा हुआ है वो करना है। हाँ ठीक है, ठीक है ना, एक्सरसाइज वन में जो बचा हुआ है, और एक्सरसाइज पहले तो एक्सरसाइज वन पूरा करना है, फिर एक्सरसाइज टू, पार्ट वन में तो मैं लगभग पूरे दे ही चुका था उसमें, तो पार्ट टू में भी जो बचा हुआ कर लेना, ठीक है ना। पार्ट थ्री पहले छोड़ दो अभी, और एक्सरसाइज थ्री भी छोड़ दो, इतना तो कर लेना कम्प्लीट, ठीक है ना। सर, और एक चीज आपको आपसे पूछनी थी सर, आप एक खुद ही आप डेट फिक्स कर सकते हैं फंक्शंस का, क्योंकि अगर हम बच्चे मतलब हम लोग अगर डिसाइड करते हैं तो फिर कभी किसी का होता है कभी नहीं होता है, अगर आप एक डेट बोल देंगे तो फिर सब वो उसी दिन का वो करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट वीक फ्राइडे को करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो।